सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मोबाइल के डिस्प्ले को बड़ा करने के चक्कर में और मोबाइल के बेजल्स कम करने के चक्कर में कंपनी ऐसा ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी ला रहा है जो बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत ही एडवांस है। आज हम इसको लेकर ही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं अभी क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है मोबाइल के ऊपर। दोस्तों, हम लोग पहले जब देखते थे 2015 या 16 साल जब था, तो उस टाइम क्या था, मोबाइल में बड़े बड़े बेजल्स थे, चिन्ह थे, तो उसको कम करने के लिए लाया नॉच डिस्प्ले, वो भी एप्पल ने लाया था। तो नॉच डिस्प्ले आने के बाद हर एक कंपनी नॉच के ऊपर काम करना चालू कर दिया। बहुत से कंपनी उस नॉच को छोटा करते करते उसमें डॉट नॉच बोल के एक लाया, इन्फिनिटी नॉच बोल के भी एक डिस्प्ले लाया। तो उसमें क्या है, टोटल स्क्रीन बहुत ही बड़ा मिल रहा था मगर चिन्ह भी बहुत छोटा मिल रहा था। उसमें भी किसी का मन नहीं भरा, उसको और भी टेक्नोलॉजी नया लाना चाहता था। तो उसके लिए क्या किया, पंचुअल डिस्प्ले भी लाया, मगर पंचुअल डिस्प्ले भी उतना अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद आया पॉप आउट सेल्फी कैमरा। पॉप आउट सेल्फी कैमरा में क्या हुआ, टोटली डिस्प्ले आपको मिल रहा है मगर उसमें जो कैमरा आपको सेल्फी के लिए मिल रहा है वो है पीछे, मतलब वो मोबाइल के अंदर है। उसके क्या हुआ, जब भी आप सेल्फी लोगे तो पॉप आउट कैमरा बाहर आ जाएगा, कैमरा फोटो उठा के चला जाएगा। ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी आया जिसमें पूरा डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा मगर उसमें कैमरा के लिए भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि कैमरा के लिए जो जगह है वो मोबाइल के ऊपर है। तो उसके बाद क्या, उसको सिर्फ कैमरा उसमें सेटिंग था, उसके ऊपर लाना था क्या, फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट लाने के लिए उसी पॉप आउट कैमरा के साथ और एक फ्लैश लाइट जोड़ दिया, उसमें क्या हुआ, सेल्फी अच्छा आने लगा। उसके बाद साइड पिन आया, ऐसे करके बहुत से कैमरा के फ्रंट कैमरा के लिए टेक्नोलॉजी आया। मगर अभी ओप्पो ने एक काम दिखा दिया कि इन डिस्प्ले कैमरा। हम लोग पहले बात करते थे क्या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स को लेकर ऐसा एक टेक्नोलॉजी आएगा, ऑलरेडी आ गया। इन डिस्प्ले साउंड को लेकर बात कर रहा था तो वो भी आ गया। अभी इन डिस्प्ले कैमरा को लेकर हाल ही में बात चल रहा था मगर ओप्पो ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखा रहा है कि उसका जो एक फोन आने वाला है वो एक प्लास्टिक के कवर में है। वो फोन जो आने वाला है वो टोटली इन डिस्प्ले है, यानी कि वो उसके कैमरा आपको पॉप आउट नहीं मिलेगा, सर्किंग नहीं मिलेगा, फ्लिप नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको डिस्प्ले के अंदर ही मिलेगा। जब आप सेल्फी कैमरा लोगे तो कैमरा से फोटो आ जाएगा, फोटो आप ले सकते हो और फोटो लेने के बाद टोटली डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर कुछ दिन पहले से ही बात चल रहा था, उसको ओप्पो ने कर दिया। और हाल ही में सुनाई दे रहे कि उसको लेकर और एक कंपनी भी काम कर रहा है, वो है रेडमी। रेडमी का भी एक फ़ोन आएगा जिसमें आएगा आपको इन डिस्प्ले कैमरा। और अभी देखना है ओप्पो ये फ़ोन पहले लाता है या साउमी इसको फ़ोन पहले लाता है, क्योंकि साउमी बहुत ही जल्दी उसके फ़ोन लॉन्च करता है, ओप्पो भी करता है मगर ओप्पो से भी बहुत तेज़ लॉन्च कर देता है साउमी। इसी कारण ये दो कंपनी क्लेम कर रहे हैं कि उसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा। यानी हम लोग पहले क्या करते थे, फिंगरप्रिंट जो था हमको देखने को मिल रहा था साइड में, यानी कि पावर बटन के साथ देखने को मिल रहा था, हमको देखने को मिल रहा था पीछे, हमको देखने को मिल रहा था डिस्प्ले के सामने जो वेजल्स है उसके ऊपर। अभी टोटल आ गए हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स, यानी कि डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट्स आ गया। और उसके साथ भी क्या किया, 50% डिस्प्ले में आप किसी भी जगह में टच करो तो फ़ोन खुल जाएगा। तो इसके बाद साउंड को लेकर भी बात हो रहा था, साउंड के स्पीकर कैसे अंदर डाल सकते हैं, तो इसको लेकर भी कंपनी ने काम किया और साउंड को भी डिस्प्ले के अंदर ले लिया। और डिस्प्ले जब वाइब्रेट होता है तभी साउंड आता है। उसके बाद चल रहा था कि इन डिस्प्ले कैमरा को लेकर, तो फाइनली ये टेक्नोलॉजी भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, और ये आ सकता है ओप्पो की तरफ से या फिर साउंड की तरफ से। मगर ओप्पो ने उसका वीडियो जारी कर दिया है, यानी कि बहुत ही जल्दी इसका ये फ़ोन आने वाला है, और इसके कारण उसने टोटली इस फ़ोन के एक वीडियो भी डाल दिया। तो दोस्तों, हम देखेंगे ये जो इन डिस्प्ले कैमरा को लेकर ओप्पो का फ़ोन आने वाला है वो कौन सा फ़ोन होने वाला है, कि जो फ़ोन इसको लेकर आते हैं उसका प्रोसेसर क्या रहता है और वो कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, यानी कि कौन सा डिस्प्ले को इस्तेमाल किया जो ऐसा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल वीडियो इतना ही। आशा रखता हूँ वीडियो अच्छा लगे।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।